नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारिया में। खारिया में आपको बता दूँ कि सरपंच पद की प्रत्याशी माया देवी वाइफ ऑफ तेग बहादुर पूनिया जो है वो यहाँ पे आप देखिएगा तस्वीरों में कि अपने पूरे काफिले के साथ जो है वो पूरे लोगों को साथ लेकर के आज एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन में आप देखिएगा माया देवी पत्नी तेग बहादुर पूनिया जो है वो लगातार जितनी दौड़ धूप अब तक की है, आखिर कितने लोगों का समर्थन जो है वो अपने पक्ष में जुटा पाए हैं, वो तमाम लोगों को साथ लेकर के आप देखिएगा कि एक रोड शो के माध्यम से जो है वो गांव के हर घर तक, गली गली मोहल्ले से होते हुए जो है वो एक डोर टू डोर वोटों की अपील जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए और भी पूरी भीड़ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सरपंच प्रत्याशी से बातचीत करते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में आए हैं, और उसके बाद तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें तेग बहादुर पूनिया और माया देवी से कितनी उम्मीदें हैं। सबसे पहले माया देवी जी से बातचीत करते हैं। मैम, चुनावी मैदान में आने का मुख्य इरादा, मुख्य मकसद? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा का धन्यवाद और उन सब का धन्यवाद जो मेरा आज परिवार मेरे साथ खड़ा है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है भी गांव में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो भी उम्मीदें हैं उन पे मैं खरी उतरूंगी, जो भी जनता की मांग है, जो भी पंचायती तौर पे जो है वो सब पूरा करूंगी। ठीक है, जो खास करके अगर महिलाओं की बात करें तो उनको उत्थान के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह के खास ख्याल आपने सोच रखे हैं? एक तो जैसे महिलाओं के लिए घर में कूड़ा करकट की है जो बहुत प्रॉब्लम है इस गाँव में, तो कचरा प्लांट का मैं जरूर करवाऊंगी। और शिक्षा के लिए भी मैं बढ़ावा दूंगी, लड़कियों की शिक्षा के लिए जो भी वैन है सुविधा पूरी करवाई जाएगी। चलिए तेग बहादुर जी से बातचीत करते हैं। तेग बहादुर जी, कैसा रिस्पांस, लोगों का समर्थन कैसा लग रहा है चुनाव? सबसे पहले तो हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया रिस्पांस है। हर गांव से 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। गांव में जोश आप देख रहे हो, हर गांव का बच्चा बूढ़ा नौजवान माताएं बहने सबका भरपूर समर्थन मिल रहा है, और हम सबका कोशिश करेंगे, सबका साथ लेकर सबका विकास करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें तो गांव में मुख्य तौर पे समस्याएं जो है वो लोग क्या क्या बता रहे हैं? गांव में बहुत बड़ी समस्या है, नशे की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है। आज तक हर घर में, हर ढाणियों में पीने का पानी नहीं पहुंचा, वो समस्या है। गांव से जुड़ी काफ़ी बुनियादी समस्या है, इनका हम मिलकर समाज में जागरूकता कर हर तरह से गांव की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लड़कियों की शिक्षा और युवाओं के लिए खेल और जिम, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। लड़कियों के लिए हम और भी, हम लड़कियों की शिक्षा के लिए पढ़ाई लिखाई का खर्चा, और जो बच्चे आगे होनहार हैं और घर से नहीं आ रहे, हम निजी तौर पर हम उनकी सहायता करेंगे, और हम हर तरह की सुविधाएं देंगे बच्चों को। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अब लाइब्रेरी का भी हम विकास करेंगे, और बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, खासकर आने जाने में लड़कियों के हमारे प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हम बस की सुविधा अलग से लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी, आखिरी एक सवाल करूंगा, चुनाव निशान आपको क्या मिला है और लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मेरे से यही अपील है जी, सारे गांव में भाईचारा, हर एक आदमी ऐसे साथ दे और नलका हैंडपम्प का बटन दबाकर हमें विजयी बनाए। हमारे सभी से यही उम्मीद है और हम आपके सभी से एक उम्मीद है। मैं हर आदमी के भरोसे पर कायम उतरूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा, गांव में भाईचारा हम बनाकर रखेंगे। जो तेग बहादुर पूनिया और माया देवी ने मुद्दे रखे हैं घोषणा पत्र में, वो बहुत ही बढ़िया हैं। खेल, स्वास्थ्य, एक जैसे मूक बधिरों का हमारा यहाँ पे स्कूल खुला है उनको पढ़ाने के लिए, उनमें भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। और ख़ासकर हमें उम्मीद है अपने भाई से और अपनी भाभी से कि वो नशे के ऊपर काम करके नशा मुक्त अपने गाँव को बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंकल जी, थाने की उम्मीद है तेग बहादुर जी? जी ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा काम करे, सुना काम करे गाँव का। अच्छा, तो जितने बाद में क्या काम करवाना चाहो? काम गाँव में नहीं है, काम करे दो कि नहीं काम को नहीं। अच्छा, उम्मीद है भी कर दे? हाँ काम उम्मीद है। उम्मीद है, हाँ। ठीक, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तमाम जो लोग पहुँचे हुए थे उनको काफ़ी उम्मीदें जो है वो तेग बहादुर पूनिया और माया देवी से वो लगाए बैठे हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर तेग बहादुर जीत जाते हैं तो उसके बाद लड़कियों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा प्रयास जो है वो करने वाले हैं। खैर, आने वाले समय में किस तरह का प्रयास करेंगे, क्या जनता उन्हें जितवाती है या फिर उन पर भरोसा नहीं जताती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो तेग बहादुर पूनिया अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं।
खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।